दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति, पटना में पतंगों की होगी कलाबाजी। जी हां देखिए, इस बार मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को मनाएगा। इस बार सूर्य 14 जनवरी की रात 2:53 में बजेर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इससे पुण्य काल अगले दिन 15 जनवरी को होगा। वहीं देखिए, मकर संक्रांति पर शहर में पतंगबाजी की भी परंपरा रही है। चतुर्भुज स्थान चौक के समीप की दुकानों में मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व पूर्वियां छात्रों से लेकर वो तक की भीड़ लगी रहती है। पतंग के साथ माजा धागा और लटाई की बिक्री खूब होती है। खुले मैदान और छत पर लोग पतंगबाजी कर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। बड़ी खबर में देखे, राष्ट्रपति और पीएम खाएंगे बिहारी कतरनी चूड़ा। कभी मगध सम्राट खाते थे कतरनी चावल, रामायण में भी इसकी चर्चा। जी हां देखिए, मकर संक्रांति पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में तैयार कतरनी चूड़ा खाएंगे। चूड़ा भागलपुर से भेजी जा रही है। भागलपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित 200 विशिष्ट लोगों के लिए 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा भेजने की तैयारी कर ली है। विक्रमशिला एक्सप्रेस से कतरनी चूड़ा की खेप लेकर भागलपुर आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह सहित अन्य कर्मी दिल्ली जाएंगे। खास यह कि जैविक विधि से उपजा कतरनी धान का चूड़ा बनवाया जा रहा है। भागलपुर की मंडी से कतरनी चूड़ा और चावल दिल्ली, बनारस, पटना, लखनऊ सहित दक्षिण भारत के कई शहरों में भी जाता है। अंग क्षेत्र की कतरनी की खुशबू की चर्चा रामायण, बौद्ध ग्रंथ और इतिहास की किताबों में भी है। इतिहासकारों की माने तो कतरनी चावल मगध सम्राट की थाली में भी परोसा जाता था। बिहार में नैनीताल, कुल्लू और जम्मू सभी अधिक ठंड, मौसम विभाग ने बताया कब मिलेगी राहत। जी हां देखिए, बर्फीली हवाओं के प्रभाव से पूरे बिहार ठिठुर रहा है। कहीं घना कुहासा तो कहीं भीषण ठंड है। जहां धूप के दर्शन भी हो रहे वहां भी सर्द हवाएं कपा रही है। गया, औरंगाबाद और बांका में तो नैनीताल, कुल्लू, मनाली और जम्मू से भी अधिक ठंड है। वहीं देखिए, लगातार दूसरे दिन बिहार के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल और मोतिहारी रविवार को भीषण शीत दिवस की स्थिति रही। इन 5 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, छपरा, फारबिसगंज और सबौर में ठंड की वजह से शीत दिवस की घोषणा कर दी गई है। वहीं देखिए, पूर्णिया में घना कुहासा, मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर शहरों में अभी ठंड की स्थिति इसी तरह बने रहने के आसार जताया है। विशेषकर जिन शहरों में भारी कुहासा और भीषण ठंड की स्थिति है वहां अभी 2 दिन मौसम इसी तरह बना रहेगा। अन्य कोई वातावरणीय परिस्थिति नहीं बनी तो पारे में आंशिक बढ़ोतरी से सुबह में ठंड कम हो सकती है। देखिए, बिहार के किसानों को मिलेगा फसल सहायता अनुदान, 31 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जहाँ देखिए, बिहार सरकार बाढ़, सुखाड़ आदि प्राकृतिक कारणों से किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कर देगी। सहकारिता विभाग ने फसल सहायता योजना के लिए पोर्टल खोल दिया है। किसानों को 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बनी राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने रबी 2022-23 के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आने वाले आच्छादित फसल की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि गेहूं, रबी, मक्का और एक फसल को पंचायत स्तरीय घोषित किया गया है। यानी यह फसलों के मुआवजा के लिए किसी भी जिला के किसान आवेदन कर सकते हैं। वहीं रैयत श्रेणी के किसानों को हाल का बना भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा 31 मार्च 2022 के बने राजस्व रसीद एवं फसल की बुआई का स्व घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि कोई किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता तो वह कॉल सेंटर अथवा टोल फ्री नंबर 1-800-1-00110 की मदद ले सकता है। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की मदद से योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खबर में देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी के 500 सीटों के लिए करे आवेदन, 1100 होगा आवेदन फीस, जाने एडमिशन की पूरी प्रक्रिया। जी हां देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यह आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू हो चुकी है जो 28 जनवरी तक चलेगी, जिसके लिए 25 फरवरी को पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस बार कुल 28 विषयों के लिए पैट टेस्ट लिया जाएगा। इसमें अलग अलग विषयों में करीब 500 सीटें हैं। पीजी विषय के पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 4 सालों के बाद पटना यूनिवर्सिटी में पेट की परीक्षा होने जा रही है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड, छात्र इस तरह से करें प्राप्त। जी हां देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्कूलों के प्रिंसिपल बीएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जारी किए गए हैं। यह एडमिट कार्ड बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर 15 जनवरी 2023 तक उपलब्ध रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड केवल उन परीक्षार्थियों का जारी किया गया जो सेंटर परीक्षा में उपस्थित हुए थे। स्कूल प्रधानाचार्य अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर स्कूल के छात्रों को बांटेंगे। इसमें पहले बीएसबी 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट 19 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी कक्षा 10 की परीक्षा 14 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। के बिहार में 2 चरणों में आपात सेवा के लिए बहाल होंगे 19,000 पुलिसकर्मी। जी हां देखिए, राज्य में डायल 112 यानी ERSS इमरजेंसी रिस्पांस स्पोर्ट सिस्टम के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसमें 800 नए 4 पहिया वाहन के साथ ही 200 मोटरसाइकिल भी खरीदी जाएगी। यह पहला मौका है जब ERSS में मोटरसाइकिल भी शामिल की जा रही है, ताकि किसी घटना होने पर संकरी गलियों में भी आसानी से प्रवेश कर जा सके। कई शहरों में ऐसी गलियां मौजूद है जहां गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है, साथ ही शहरों में जाम की स्थिति होने पर घटना स्थल तक जल्दी पहुंचा जा सके। मोटरसाइकिल खरीदने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा ERS का संचालन सही तरीके से करने के लिए सिपाही से दारोगा तक के 19,000 कर्मियों की बहाली की जाएगी। यह बहाली 2 चरणों में होगी। खबर में देखिए, बिहार में मार्च 2024 तक लगेंगे 48 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर, हर महीने 4 लाख मीटर लगाने का है लक्ष्य। जी हां देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और उससे संबंध दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियों ने 3 फेज के दौरान सूबे में 1.71 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से करीब 12 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब तक इंस्टॉल किए गए हैं। कंपनियों ने मार्च 2024 तक यानी 3 फेज मिलाकर 48 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। इनमें सर्वाधिक 30 लाख प्रीपेड मीटर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और 18 लाख प्रीपेड मीटर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लगाएगी। दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियां मिलाकर हर महीने 3 से 4 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का काम करेगी। कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपी गई टैरिफ याचिका में इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग में सब प्रधान अध्यापक व प्रधान अध्यापक पदों पर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी। जी हां देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी विभाग के तहत प्रधान अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक के पदों की भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीपीएससी की इस भर्ती के तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों में सब प्रधान अध्यापक के कुल 36 एवं प्रधान अध्यापक के कुल 25 रिक्तों पर नियुक्ति के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीपीएससी की इस भर्ती के लिए विज्ञापन व आवेदन के लिए जरूरी निर्देश आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। आवेदन की योग्यता की बात करें तो संबंधित विषय में मेडिकल की मास्टर डिग्री और काम करने का न्यूनतम अनुभव भी जरूरी है। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 20 जनवरी तथा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2023 रखी गई है। खबर में देखिए, बिहार में नहीं चलेगा रेफर का खेल, तेजस्वी यादव ने जारी किया रेफरल पॉलिसी, पकड़े गए तो डॉक्टर पर कार्रवाई तय। जी हां देखिए, बिहार में बड़े सरकारी अस्पतालों अकारण मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर कर देने का खेल बरसों से चल रहा है। इस परिपाटी पर नकल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग की रेफरल पॉलिसी लागू हो गई है। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में एक कार्यक्रम में इसे औपचारिक रूप से जारी किया है। इसके अनुसार बिना रेफरल कार्ड के मरीजों को बड़े अस्पतालों में नहीं भेजा जा सकेगा। बता दें कि अब तक मरीजों को रेफर करते समय चिकित्सक किसी मानक का पालन नहीं करते थे। अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक पुर्जा पर ही रेफर लिख कर मरीज को चलता कर देते थे। उनका प्राथमिक उपचार भी नहीं किया जाता था। इस कारण स्थिति यह हो गई कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों को उपचार करने के बजाय केवल रेफर करने के लिए चर्चित हो गए हैं। अब रेफरल कार्ड में मरीजों के नाम, उम्र व पता की जानकारी देनी होगी। मरीजों को कब और किस
स्थिति में रेफर किया जा रहा है इसकी जानकारी भी देनी होगी। जिस मरीज को रेफर किया जा रहा है उसका उस अस्पताल ने क्या उपचार किया, क्या जांच की, ये भी बताना होगा। मरीज की अपडेट स्थिति जानकारी कार्ड में देनी होगी ताकि जिस अस्पताल में मरीज जाए वहाँ उसका उपचार जल्दी से शुरू हो सके। बड़ी खबर में देखिए, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में नालंदा व गया वाले यातायात नियमों की अनदेखी से बड़ी घटनाएं। जी देखिए, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से जिले में सड़क हादसों को बढ़ावा मिल रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान, जागरूकता व गोष्ठियों का अभियान किया जा रहा है जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो। इन सभी प्रयासों को दरकिनार करते हुए लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन की बात करें तो यह देखा जाता है कि दो सवारियों की बाइक पर तीन और चार सवारी बैठ कर फर्राटे भरते रहते हैं। यह नजारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में तो छोड़ दीजिए, जिला मुख्यालय की सड़क पर रोज रोज देखने को मिल जाती है। बता दें कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के मामले में नालंदा जिला अव्वल है। इस मामले में गया जिला के बाद दूसरे स्थान पर नालंदा जिला है। वर्ष 2022 में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 2 करोड़ से अधिक की वसूली हो चुकी है। इसमें सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों से, हेलमेट न पहनने वालों से, अन्य नियमों का पालन करने वालों से जुर्माना के रूप में वसूला जा चुका है। एक खबर में देखिए, गया सहित बिहार के अन्य रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा, अब टिकट के लिए लाइन लगाने की झंझट दूर। जी हां देखिए, अब रेल यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट व अनारक्षित रेल टिकट खरीदने के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आसानी से टिकट उपलब्ध कराने के लिए डीडीओ मंडल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया डेहरी और सोन सासाराम सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन उपलब्ध हो गई है। ऐसे में रेल यात्री अब बिना लाइन में लगे हुए अपना टिकट मशीन के माध्यम से खरीद सकते हैं। खबर में देखिए, हड़ताल पर गए बिहार के राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त, लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश जारी। जहां देखिए, बिहार में हड़ताल कर रहे पीडीएस यानी राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन नहीं बांटने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी जिला अधिकारियों को हड़ताल पर कर रहे पीडीएस डीलरों को लाइसेंस निरस्त करने के लिए कहा गया है। ऐसे में राशन दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया है। बता दें कि मार्जिन मनी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पीडीएस डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने गुरुवार को जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो पीडीएस दुकानदार राशन का वितरण नहीं कर रहा है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करे, राशन नहीं बांटने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।